गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल पायरी जी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो सेल है उसको हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके इंटरनल ऑर्गेनल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके हम यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे कि ईआर को हम सेपरेट कर रहे हैं, गॉल्जी को सेपरेट कर रहे हैं, राइबोसोम को सेपरेट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम सेपरेट कर रहे हैं बाय द मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन। इस चीज को बोला जाता है सेल्फ फ्रैक्शनेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम यहाँ पर देखिए प्रोसेस चलता कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेल है तो सबसे पहले हमें इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनल्स जो है वो बाहर आ सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल को ऑस्मोटिक शॉक देख सकते हैं या फिर सेल को हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन दे सकते हैं या फिर हम सेल को ब्लेंडर में कर सकते हैं ब्लेंड। तो ये सारी चीजों से जो सेल है वो ब्रोक हो जाएगा। अगर एक बार हमारा सेल ब्रोकन हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसकी मेम्ब्रेन है ब्रोक होगी। कौन कौन सी मेम्ब्रेन यहाँ पे ब्रोक होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर टूट सकती है और ईआर की मेम्ब्रेन यहाँ पर टूट जाएंगी। जो ये मेम्ब्रेन टूटेंगे वो फिर से क्या कर लेंगे, अपने आप को रीसील कर लेंगे और अपने आप को रीसील करने के बाद छोटी छोटी वेसिकल्स फॉर्म कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनल्स होंगी जो इंटैक्ट प्रेजेंट होगी, जैसे कि गॉल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब जो है इंटैक्ट प्रेजेंट है। एक बार यहाँ पर ये सब चीजें हो गई तो ये सब एक होमोजेनेट के तौर पे प्रेजेंट है, यानी कि थिक स्लरी के तौर पे ये सब चीजें जो है प्रेजेंट है हमारे पास। यहाँ पर एक हम समझ सकते हैं कि एक ट्यूब में हमारे पास ये सारी चीजें प्रेजेंट है स्लरी के तौर पे, जिसमें यहाँ पर जो रीसील्ड हुई हुई वेसिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास इंटैक्ट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रोकन पार्ट प्रेजेंट है, ये सब चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करना शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे वो हम काफी लो स्पीड पे करने वाले। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा ये 1000 times ग्रेविटी पर 10 मिनट में होगा, यानी कि हम 10 मिनट के लिए इस स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन चलाएंगे। स्पीड क्या है, 1000 times ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी से 1000 गुना स्पीड पे हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन चलाने वाले हैं। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन चलाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स, ऐसी चीजें जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि जो ज्यादा डेंस है वो यहाँ पर क्या होते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, वही जो कम डेंस होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो नीचे जो चीजें सेटल होती हैं उनको बोला जाता है पैलेट और ऊपर जो चीजें रह जाती हैं उनको बोला जाता है सुपरनेटेंट। तो सबसे पहले जब हम इतनी लो स्पीड पे कर रहे हैं ना तो हमें नीचे क्या क्या मिलेगा, न्यूक्लियाई मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा और बाकी जितनी भी चीजें वो ऊपर रह जाएगी क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है। तो अब इसको जो है हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। अगर हमें यही चीज चाहिए तो हम यहाँ पे प्रोसेस रोक देंगे और यहाँ पर जो ये पैलेट है उसको रिलीज करवा देंगे, निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें सुपरनेटेंट में से कुछ चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो मैं सुपरनेटेंट को लूंगी और दूसरी ट्यूब में ट्रांसफर करूंगी। उस दूसरे ट्यूब को मैं मीडियम स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाऊंगी। स्पीड क्या होगी, 20,000 times ग्रेविटी, 20 मिनट्स के लिए हम ये करेंगे। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो वंस अगेन जो डेंस होंगे वो नीचे पैलेट के तौर पे रह जाएंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम होंगे और सुपरनेटेंट यहाँ पर ऊपर होगा। मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, मैं खुश हो गई, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया रख लिया। लेकिन अगर मुझे अब सुपरनेटेंट में से कुछ चाहिए तो मैं फिर से उसको न्यू ट्यूब में ट्रांसफर करूंगी। यहाँ पर फिर से हम इसको स्पीड पे दौड़ाएंगे, लेकिन इस पे जो स्पीड पे हम घुमा रहे हैं वो क्या है, हाई स्पीड है। स्पीड कितनी है, 80,000 times ग्रेविटी और 1 आवर के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर जो होगा वंस अगेन जो चीजें यहाँ पर डेंसिटी जिनकी ज्यादा होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी, जैसे कि माइक्रोसोम और स्मॉल वेसिकल्स। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, ईआर की जो छोटी छोटी वेसिकल्स होते हैं उनको माइक्रोसोम कहते हैं और बाकी स्मॉल वेसिकल्स यहाँ पे मिलेगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, तो हम यहाँ पे सुपरनेटेंट को लेंगे और सुपरनेटेंट को हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। इस कंडीशन में हम वेरी हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन चलाएंगे, 1,50,000 times ग्रेविटी पे चलाएंगे। अब कितनी देर के लिए, 3 आवर्स के लिए। इस कंडीशन में मुझे जो पैलेट है उसमें मिलेगा राइबोसोम, हाई लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे पैलेट पे मिलेगी और सुपरनेटेंट जो होगा वो लो डेंसिटी का रहेगा। अब अगर मुझे और छोटी छोटी चीजों पे जाना है तो मैं सुपरनेटेंट को ट्रांसफर करते हुए देखती रहूंगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम सेपरेशन करते हैं। क्या करना है, बस आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, सेंट्रीफिकेशन करवाना है। जो हाई डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल होगा नीचे सेटल हो जाएगा, जो लो डेंसिटी वाले ऑर्गेनल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। सो
आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइस.